तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस शानदार, जानदार, बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त लिंबी चिंचोड़ी गांव के नूरवंशी पाटिल घराने के बेटे की शादी के एक और शानदार एपिसोड में। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पूरी शादी जो है चल रही है, बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे शादी के जो है सेरेमनीज जो है चल रही हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है दूल्हे राजा की और बेगम साहिबा की शाही एंट्री हुई, किस प्रकार से जो है पूरी शादी की कार्यवाहियों की जो है शुरुआत हुई, और इंशाल्लाह आज के इस शानदार और जानदार एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये पूरी शादी की जो कार्यवाहियाँ हैं, जो भी पूरी रस्में हैं, वो कैसे पूरी हुई उनके बारे में देखेंगे, और उसके साथ साथ दूल्हे राजा का शानदार सेहरा भी जो है देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जो है आज का ये एपिसोड होने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से जो है यहाँ पर दूल्हे राजा को उनके सभी यार दोस्त और उसके साथ साथ परिवार के सभी लोग जो है मिलकर यहाँ पर ये बेहतरीन सेहरा जो है पहना रहे हैं। सेहरा जो है किसी भी शादी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना सेहरे के जो है शादी अधूरी है, बिना सेहरे के जो है दूल्हा अधूरा है। तो यहाँ पर दूल्हे को सजाने के लिए इस बेहतरीन सेहरे को जो है यहाँ पर उनके सभी भाइयों के द्वारा, उनके सभी यार दोस्तों के द्वारा जो है पहनाया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है धीरे धीरे कर कर एक एक रस्म जो है यहाँ पर पूरी हो रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर ये सेहरा बनाया गया है, ये बेहतरीन हार जो है बनाया गया है। और ये परंपरा है कि वह हर शादी में जो है ये सेहरा और हार जो है पहनाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये होगा कि जिस प्रकार से ये फूल जो है आपकी, आपको खूबसूरत बनाते हैं, जिस प्रकार से इनकी खुशबू से आपका मन प्रफुल्लित होता है, जिस प्रकार से आप प्रसन्न होते हैं इसकी खुशबू के साथ, वैसे ही जो है आपकी ज़िंदगी जो है महके, उसी तरह से जो है आपकी ज़िंदगी जो है चहके, उसी प्रकार से जो आपकी ज़िंदगी जो है खूबसूरत रहे, यही जो है इसके पीछे का कोई रीज़न होता होगा। बहुत ही शानदार जो है ये परंपरा है। तो इस पूरी परंपरा को जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है पूरा किया जा रहा है लिंबी चिंचोड़ी गांव के पाटिल घराने के द्वारा। तो इस बेहतरीन रसम के ऊपर जो है मुझे एक ज़बरदस्त गाना याद आ रहा है, जिसके बिना जो है हर शादी अधूरी है, और ये गीत है बेहतरीन फिल्म धड़कन से, जिसे फिल्माया गया है सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी जी पर। और इस बेहतरीन गीत को गाया है खुद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी ने। तो इस बेहतरीन गीत को मैं आप सभी लोगों के पेशे खिदमत करना चाहता हूँ। शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर दूल्हे राजा को ये सेहरा पहनाया गया है, और अभी उनकी यार दोस्त जो है उन्हें चावलदानी की रस्म के लिए जो है बेगम साहिबा को मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरी रस्म जो है प्यार मोहब्बत वाली रस्म जो है होने वाली है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है धीरे धीरे कर कर शादी की ये रस्में ये कस्में जो है पूरी हो रही हैं, जिससे जो है इस शानदार जानदार और बेहतरीन शादी की जो है रंगत और भी ज़्यादा बढ़ रही है। चलो भाई फाइनली चावलदानी की रस्म ख़त्म हुई, बहुत बेहतरीन तरीके से सजा ली चाचा को। चलो अभी थोड़ी देर में जो है कार्यवाही चालू होंगी, देखेंगे बोलते कैसा होता है क्या होता है। हिंदुस्तान में शादी एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है, जिसमें अपनी परंपरा अनुसार मेहमानों दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे दिए जाते हैं, जिसमें हम उन्हें ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम खजूर और खड़ी खाकर देते हैं। मॉडर्न जमाने में सभी परंपराएं भी मॉडर्न हो रही हैं, तो इसी ट्रेंड के चलते शादी की इस प्यारी रस्म और परंपरा को भी मॉडर्न किया गया है सोलापुर शहर के सफवान अत्तर और परफ्यूम शॉप के द्वारा, जहाँ आपको मेहमानों को देने के लिए सभी ड्राई फ्रूट जैसे खजूर बादाम खड़ी साकर चॉकलेट और बेहतरीन अत्तर की बोतल शानदार गिफ्ट पैकेज में मिलेगी, जिसमें आपको चार अलग वैरायटी अपने हिसाब से देखने मिलेगी, जिसमें पहला है सिंपल पैक, दूसरा है मीडियम पैक, तीसरा है वीआईपी पैक और आखिरी है रॉयल पैक। इन सभी पैक में आपको वैरायटी के हिसाब से कीमत के हिसाब से बेहतरीन ड्राई फ्रूट चॉकलेट और अत्तर मिलेंगे। ये वो तोहफा है जो आपके शादी में चार चांद लगा देगा और आपके सभी मेहमानों को खुश कर देगा। तो इंतजार किस बात का, जल्द हमें फोन लगाइए और इन बेहतरीन तोहफों को खरीदिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7721855231, जहां हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। ये बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट था सफवान अत्तर और परफ्यूम शॉप वेडिंग सुवीनियर का, तोहफे जो आपको खुश करे। धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही प्यारी तरीके से जो है ये चावलदानी की रस्म पूरी हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से उनकी सभी भाभियों ने उनकी सभी बहनों ने उनकी सभी सालियों ने मिलकर जो है इस शानदार रस्म को जो है पूरा किया है। यह रस्म जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रस्म होती है, जिसमें जो है चावल एक्सचेंज किए जाते हैं। उसके पीछे का कारण मुझे पता नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ही प्यारी रस्म होती है। और अभी थोड़ी देर में जो है इस बेहतरीन स्टेज पर जो है ये शादी के आगे की कार्यवाही शुरू होगी, जो पारंपरिक कार्यवाही है जिसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है दुआ पढ़ी जाती है वो पूरी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सभी प्रतिष्ठित नागरिक सभी घर के बड़े लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है दूल्हे राजा के बड़े भाई भी मौजूद हैं, फिर उसके साथ साथ लिम्बी चिंचोड़ी गाँव के सभी प्रतिष्ठित नागरिक भी जो है यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ साथ बेगम साहिबा की ओर से उनके मामू जान और उसके साथ साथ उनकी एरिया के भी जो है प्रतिष्ठित नागरिक उनके खानदान के भी जो है बड़े लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है दूल्हे राजा भी यहाँ पर इस शादी के कागजों पत्रों पर जो है बेहतरीन तरीके से सिग्नेचर करते हुए और पूरी कागजी कार्रवाई जो है यहाँ पर पूरी होते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई होती है भाई। ये जो है लीगलाइज डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो है आप लीगली जो है सिग्नेचर वगैरह करते हैं कि वो मैंने शादी की है इसके लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है हो रहा है यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर में जो है खुतबा और उसके साथ साथ जो है दुआ की जाएगी इस नए जोड़े के लिए। तो मुझे यकीन है आप सभी लोग जो है इस नए जोड़े को जो है दुआ ज़रूर देंगे और दुआओं के लिए अपने हाथ उठाइए। तो बहुत ही शानदार तरीके से अभी दुआ और खुतबा होगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 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 ون
Thank you.
आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस शानदार जानदार और बेहतरीन एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए। ये तो सिर्फ दूसरा एपिसोड है भाई, अभी 3 एपिसोड आने बाकी हैं जो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरा एपिसोड यहाँ पर समाप्त हुआ है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है और आप अगले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते, सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शादी की कार्यवाही जो है समाप्त हो चुकी है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है सभी मोहब्बत भरी मुलाकातें हुई, किस प्रकार से उनके सभी यार दोस्तों ने, उनके परिवार के सभी भाइयों ने, परिवार के सभी लोगों ने जो है दूल्हे राजा को जो है यहाँ पर शुभकामनाएं दी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ हो रहा है। तो फिर मिलेंगे इस बेहतरीन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।